79 साल की मार्गरेट एटवुड और बर्नाडाइन इवारेस्टो को इस साल के बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इस साल का बुकर पुरस्कार 27 साल बाद दो लोगों को दिया गया है। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। मार्गरेट एटवुड और बर्नाडाइन इवारेस्टो को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित मार्गरेट एटवुड कनाडा की रहने वाली हैं और बर्नाडाइन इवारेस्टो ब्रिटेन की हैं। 27 साल बाद ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया। दरअसल 1992 के बाद नियम बदल दिए गए थे और जज सिर्फ एक ही विजेता घोषित कर सकते थे। हालांकि बुकर प्राइज के नियमों के मुताबिक ये अवार्ड बांटा नहीं जा सकता, लेकिन जजों ने जोर देते हुए कहा कि वो एटवुड और इवारेस्टो में से एक विजेता नहीं चुन पा रहे हैं। एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स और इवारेस्टो को गर्ल विमेन अदर उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं 79 साल की मार्गरेट एटवुड ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे बुजुर्ग लेखिका बन गई हैं। एटवुड को ये पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले साल 2000 में द ब्लाइंड असैसिन नाम के उपन्यास के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इवारेस्टो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। बुकर पुरस्कार हर साल मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए सबसे मशहूर पुरस्कार है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।